इस प्रस्तुति में आपके समक्ष इस मंच पर होंगे बारी बारी से अपने अपने राज्यों की लोक परंपराओं को प्रस्तुत करते हुए, इसलिए आप सबसे हम निवेदन करेंगे कि आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें और साथ ही जो लोग पांडाल से बाहर हैं उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि वो भी पांडाल में आकर जगह ले लें। पर्यटन पर्व जिसकी 2 अक्टूबर को शुरुआत हुई थी और पूरे देश में पर्यटन पर्व 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है और आज दिल्ली में कम से कम आज इस प्रस्तुति के साथ ज़रूर ये पर्यटन पर्व के यहाँ के जो आयोजन है वो विराम लेंगे, लेकिन पूरे देश में 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और 13 अक्टूबर तक ये पर्यटन पर्व चलता रहेगा और आप सबको देश की संस्कृति से, देश के पर्यटन से और पर्यटन के माध्यम से देश के विकास से जोड़ने की एक विनम्र कोशिश है और इस माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो संकल्प कि भारत एक हो और श्रेष्ठ भारत हो, इस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए पर्यटन और संस्कृति किस रूप में अपनी भूमिका अदा कर सकती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने के लिए संस्कृति सबसे महसूस कर सकते हैं और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हम भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रदेश से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उन परंपराओं में खुद को भी देखते हैं, महसूस करते हैं, गर्व करते हैं कि हम इस देश के वासी हैं और इसीलिए लगभग 350 से भी ज़्यादा कलाकारों को देश के अलग अलग हिस्से से नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर ने आमंत्रित किया और 19 राज्यों की अलग अलग ट्रेडिशंस को, जो हमारी फोक ट्रेडिशन से लोग नृत्य हैं, उनको सहेज कर एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति तैयार की है, वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को हमने 150वीं जयंती मनाई है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और राष्ट्रपिता हमारे लिए सिर्फ एक आकार, एक मनुष्य नहीं, हमारे लिए एक विचार है, एक भाव है, एक आदर्श है। उनका जीवन, उनका दर्शन, उनका चिंतन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है और इसीलिए इस प्रस्तुति को भी और हर रोज़ की हमने प्रस्तुति को बापू के ही श्री चरणों में समर्पित किया है, अर्पित किया है और इस उम्मीद के साथ किया है कि बापू का जो सपना उनके संकल्पों में था, उनके विचारों में था, उसको हम अपने जीवन में भी धारण करें। बापू को आपको मालूम है कि हर रोज़ सुबह भी और शाम को भी वो प्रार्थना में ज़रूर शिरकत करते थे और लोगों को भी उसमें शामिल करते थे। कितनी भी आवश्यक बैठक हो, मीटिंग हो, लेकिन उससे छोड़कर निर्धारित समय पर वो प्रार्थना के लिए पहुँचते थे और कुछ ऐसे भजन जो उन्हें बहुत प्रिय थे, क्योंकि उनके आत्मा के, उनके मन की शांति के लिए भी और प्रेरणा के लिए भी वो भजन खुद भी सुनते थे और दूसरों को भी सुनाते थे। उसी में एक भजन है, वैष्णव जन तो तेरे के लिए पीढ़ बनाई जाने रहे, नरसिंह मेहता जी का लिखा हुआ, बहुत ही महान विख्यात संत और कवि हुए, गुजरात के पति की लिखी रचना है और इसका भाव इतना सुंदर है। दरअसल इसमें यह है कि वैष्णव जन तो वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझे, लेकिन बात यहीं तक नहीं सीमित है, वो उस पीड़ा को दूर भी करे और उस पीड़ा को दूर करने की प्रक्रिया में उसके मन में कहीं लेश मात्र भी घमंड ना हो कि उसने ऐसा किया है। वैष्णव जन तो देने के लिए पीड़ पर आई जाने रहे, ये भाव कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। इसी भाव के साथ और इसी भजन के साथ आज की प्रस्तुति का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं और इसमें हमारे सारे प्रदेशों के कलाकार शामिल हैं। उसके बाद एक एक करके प्रस्तुतियाँ होंगी, लेकिन ये निवेदन मैं आप सबसे ज़रूर करूँगा कि एक बार इन सभी कलाकारों के लिए जो पूरे देश से एकत्रित हैं, ज़ोरदार तालियों से आइए उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें इस मंच पर और सुने, गुने, आत्मसात करें। वैष्णव जन तो देने के लिए पीढ़ पर आए जाने, yeah।
खासतौर पर इन दिनों में नवरात्रों में तो उसकी छटा और भी बहुत ही अनूठी होती है। जोश और उल्लास से भरे इस नृत्य को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से बधाई नृत्य।
परंपराएं हैं, लेकिन आज इस वक्त जो परंपरा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो शायद ही आपने पहले कभी देखी हो, क्योंकि कश्मीर की घाटी सौंदर्य का अद्भुत नजर आपके सामने पुंग चोलम और ढोल चोलम। Thank you.
मणिपुर के बाद आपको लिए चलते हैं ओडिशा की तरफ। ओडिशा प्रदेश जिसे उत्कल के नाम से भी जाना जाता रहा है, और हमारे राष्ट्रगान में अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ उत्कल शब्द का ही प्रयोग हुआ उस जगह के लिए। उसी प्रदेश में जहाँ भगवान जगन्नाथ के मंदिर के रूप में हमारा धाम है, चार धाम में से एक पुरी में, और वहीं पास में कोणार्क संजय पुल सूर्य मंदिर, वो भी अपने आप में स्थापत्य का बहुत सुंदर नमूना है, और कालीजाई टेम्पल, इस तरह के अनेक धार्मिक स्थल आपको मिलते हैं जहाँ बड़ी श्रद्धा भाव से लोग वहाँ आते हैं और अपनी अपनी आस्था के अनुरूप अपनी आस्था के अपने श्रद्धा के भाव को प्रस्तुत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। धौली में शांति स्तूप भी वहाँ का एक सुंदर स्थापत्य का नमूना है और वो भी दर्शनीय स्थलों में से एक है। इसके अलावा अलग अलग नगरों में, शहरों में या वनों में, क्योंकि इको टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत सारे सुंदर जगहें हैं उड़ीसा में जिनको देखने के लिए आपको एक आनंद की अनुभूति देखने के बाद होती है। और निश्चित रूप से हीराकुंड जैसे डैम जैसे विकास के प्रतिमान और प्रतीक जिनके रूप में हमारे ओडिशा प्रदेश की शोभा को और उसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। इस तरह से ओडिशा के अपनी संस्कृति के तमाम रंगों में, पर्यटन के रंगों में एक रंग जो वहाँ का है वो है एक जनजातीय नृत्य का, जिसका नाम है घुड़का। अब आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं ओडिशा का जनजातीय नृत्य घुड़का। Thank you.
वहाँ पर समंदर का किनारा इतना आकर्षक है कि बार बार वहाँ जाने का जी करेगा। इसके अलावा ऊंचाई से जब आप पहाड़ियों से देखते हैं अराकू वैली की खूबसूरती को, तो बस देखते ही रह जाते हैं। वहाँ तिरुपति में स्कॉन का मंदिर भी हमारी आस्था का केंद्र है, तो वीरभद्र टेम्पल भी हमें आकर्षित करता है और श्रद्धालु वहाँ आते हैं बड़ी संख्या में। कैलाशगिरी का स्थल भगवान शंकर की स्थली और उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हो आईएनएस कुरुसुरा एक ऐसा हमारे नौसेना की ताकत को प्रदर्शित करता हुआ किनारा और उसका स्वरूप है जिन पर हमें गर्व होता है। बोरा के केव्स हो या इस तरह के अनेक स्थल हैं। और विजयवाड़ा में अगर हम बात करें, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के पीछे एक पहाड़ है और इस पहाड़ पर एक शिखर का नाम जो है वो गांधी हिल्स के नाम से जाना जाता है, यानी बापू के नाम पर उसका नाम रखा गया है। तो इस तरह से अनेक स्वरूपों में आंध्र प्रदेश हमें बहुत आकर्षित करता है, लेकिन अभी जो स्वरूप हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वहाँ का जनजातीय नृत्य लंबाड़ी। Thank you.
और अब आपको ले चलते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड जिसे द लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि घने जंगलों और खनिज संपदा से समृद्ध प्रदेश है झारखंड। 1855 में यही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संथालों ने विद्रोह का, क्रांति का बिगुल फूका था अपनी आज़ादी के लिए, और इसीलिए करम फेस्टिवल झारखंड के प्रमुख उत्सव में है, बहुत ही आकर्षक है। इस प्रदेश में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जिन्हें देखने की लालसा वहाँ आने वाली यानी झारखंड आने वाले किसी भी पर्यटक की रहती है, जिनमें गिरिडीह का पारसनाथ, हिल्स रांची का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर जमशेदपुर में, इसके अलावा मैथान राम पहाड़ी टेम्पल हो रांची का, रांची में ही दसम फॉल्स है, इसके अलावा वहाँ एक रॉक गार्डन भी है, और रॉक गार्डन के अलावा जौना फॉल्स, इस तरह के अनेक स्थल हैं जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, और आप एक पर्यटक के रूप में जाते हैं तो उन्हें देख कर आपको आनंद मिलता है। दमना लेक जमशेदपुर का एक बहुत ही सुंदर आकर्षक स्थल है, और वहाँ रांची में एक जगन्नाथ मंदिर भी है जो देखने की लालसा किसी भी पर्यटक की होती है। तो इस तरह के अनेक स्थलों से सजा धजा जमशेदपुर में ही जुगली पार्क अपने सौंदर्य के लिए हमें आकर्षित करता है। ऐसे ही प्रदेश से एक मार्शल आर्ट और मार्शल डांस से कह सकते हैं जिसका नाम है नटवा, उसकी प्रस्तुति हम आपके समक्ष करते हैं। झारखंड से नटवा।
अब आपको लिए चलते हैं पूर्वोत्तर के एक बहुत ही सुंदर अद्वितीय प्रदेश असम की तरफ। महाभारत में इस क्षेत्र का उल्लेख प्राग जगदीशपुर के रूप में किया गया है, बाद में इसे कामरूप के नाम से भी जाना गया। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ एक सींग वाले राइनोस के लिए जो विख्यात है, इसके अलावा माचुली नदी की बोटिंग, उसका आनंद भी अपना एक अलग अलग हो सकता है। रिवर राफ्टिंग का दृश्य छोटी छोटी नदियों में इस रूप में हमें नजर आते हैं, पहाड़ी नदियों में, कि उनमें जो भी साहसिक पर्यटन में हिस्सा लेना चाहते हैं या उनका आकर्षण है उसके प्रति, उसमें ज़रूर वो शिरकत कर सकते हैं। इसके अलावा हाफलॉन्ग एक जगह है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है उसे पूर्व का। इसके अलावा सवाल कुछ ही, जहाँ की सिल्क की साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं दुनिया भर में, और उमानंदा यानी पीकॉक आइलैंड के रूप में जिसे कहते हैं, वन्य जीवों के लिए बहुत ही लोकप्रिय, बहुत मशहूर है, और आसाम की चाय और वहाँ के चाय के मकान वो भी इतने सुंदर लगते हैं, ये तो आपको एहसास जरूर होगा। असम में ही गांधी मंडप है, जहाँ बापू को समर्पित एक मंदिर, और उस मंदिर के साथ साथ बापू के चिंतन, जीवन, दर्शन के प्रति बहुत सारी चीज़ें वहाँ प्रदर्शित की गई है। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे ऊंचा जो तिरंगा ध्वज है वो वहीं पर लहराता है, असम की धरती पर। तो इसी सुंदर आकर्षक प्रदेश से प्रस्तुत कर रहे हैं हम नृत्य बिहू। Oh,
प्रदर्शन इन कलाकारों ने आपके सामने किया। और आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं कश्मीर की खूबसूरत वादियों में। कश्मीर का दिल जिस गीत में, नृत्य में धड़कता है, जिस संगीत में धड़कता है, उसका नाम है रौफ नृत्य। कश्मीर में इतना कुछ है। दरअसल कश्मीर की वादी अपने आप में जो उसकी विरासत है वो इतनी सी सारी चीज़ों को समेटे ही, हिंदू धर्म और दर्शन, बौद्ध धर्म और दर्शन, इस्लाम और सूफी परंपरा, इन तीनों का पवित्र संगम जो है वो कश्मीर की पावन धरा है। महान भारतीय दार्शनिक अभिनव गुप्त का जन्म भी कश्मीर में ही हुआ था। और इस तरह से कश्मीर में इतनी सारी धाराएं आकर समाहित होती हैं, वो ऐसा संगम बन जाता है अलग अलग संस्कृतियों का, अलग अलग परंपराओं का, जिस पर हम सबको हमेशा गर्व होता है। वहाँ के खूबसूरत बागान हो, वहाँ की डल लेक हो, वहाँ के शेषनाग लेक और पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई, वो सब कुछ। और कितने सारे नगर हैं, कितने सारे शहर हैं, चाहे वो सोनमर्ग हो, चाहे वो पहलगाम हो, इस तरह के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने आप में समेटे हुए बस देखते जाने को, जीते जाने को जी करता है इन ऐसी खूबसूरत स्थलों पर जाकर, ऐसी खूबसूरत वादी में जाकर। हमारे सबकी आस्था का केंद्र अमरनाथ की गुफा, और उस अमरनाथ की यात्रा के बारे में तो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वहाँ की यात्रा कर भी चुके होंगे, लेकिन आइए कश्मीर की यात्रा हम करते हैं जिस नृत्य के माध्यम से, जिसमें उसका दिल धड़कता है, जिसका नाम है रौफ नृत्य।
बारी ओडिशा की है। ओडिशा में, पश्चिमी ओडिशा में खासतौर पर, जिसे संबलपुर क्षेत्र के रूप में हम जानते हैं, वहाँ की अपनी अलग तरह की परंपराएं हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य भी है और वहाँ के रंगत और वहाँ की खुशबू भी है। वहाँ उदयगिरी जैसे ऐसे स्थल हैं और एक बहुत ही खूबसूरत अलग सा टर्टल सेंचुरी भी है जो बहुत ही मशहूर है, गहिरमठ टर्टल सेंचुरी। इसके अलावा चिल्का लेक हो, डंडीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी जगह हो, टिकारा पादा, ऐसे कितने सारे सुंदर स्थल हैं और नंदन कानन सूरज के पात्र गहरी का, वहाँ पर बहुत सारे वन्य जीवों की आपको छटा और सौंदर्य दिखाई देता है और उसी माहौल में वो रहते हुए हम सबको, पर्यटकों को आनंदित करते हैं, आकर्षित भी करते हैं। अगर आप इको टूरिज्म में शौक रखते हैं, यकीन भी रखते हैं और आनंद लेना चाहते हैं तो ओडिशा में ऐसे बहुत सारे पर्यटक स्थल आपको मिलेंगे जहां आप जाकर उनका आनंद ले सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी कहा, गांधी मंदिर भी यही है। बापू ने जहां स्वच्छता का संकल्प इस देश को दिया, हमारा भी कर्तव्य है कि हम कार्यांजलि में स्वच्छ भारत जो है बापू के श्री चरणों में अर्पित करें। तो ये रंग है ओडिशा के और ओडिशा में, पश्चिमी ओडिशा के, और वहीं से प्रस्तुत कर रहे हैं हम अगला नृत्य, जोश से भरा हुआ, उल्लास से भरा हुआ। इसका नाम है संबलपुरी नृत्य।
संबलपुरी नृत्य के बाद अब बारी है हमें अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाने की, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का रकम पादा नृत्य आपके सामने है। वॉर मेमोरियल हमारे देश के वीर सैनिकों की शहादत और उनकी गाथाओं को प्रदर्शित करता है, और इसी तरह जसवंतगढ़ का गेट भी हमें उसी की याद दिलाता है। माधुरी लेक प्राकृतिक सौंदर्य का और उसके योगदान का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, तो सेलापास तवांग में वहाँ के जो परंपराएं हैं उसमें धार्मिक परंपरा भी है और उसमें सांस्कृतिक भी है, उन सब का दृश्य वहाँ प्रस्तुत करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि तवांग मोनेस्ट्री बहुत ही मशहूर जगह है और सबसे बड़ा मठ है हिंदुस्तान का, अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जो है वो निशी है, और उन्हीं का नृत्य है सबसे लोकप्रिय नृत्य कहना चाहिए रिखम पदा, जो अब आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से रिखम पदा। Yeah.
माननीय सज्जनों, बारी है देश के सबसे युवा प्रदेश तेलंगाना से। तेलंगाना का मातृवृत्त आपके सामने हम प्रस्तुत, जहाँ हैदराबाद में चार मीनार जैसी जगहें हैं जो वहाँ की अपनी एक पहचान है। इसके अलावा वहाँ पर गोगाथा वाटरफॉल्स है, रामप्पा लेक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कितना कुछ है और कितना रंग बिरंगा है, कितना अद्भुत और कितना सुंदर है। ये दृश्य तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही रहा है, लेकिन उसे आप खुद जब जाकर देखेंगे, उसे महसूस करेंगे, तो इतराना और गर्व करना एक स्वाभाविक सी बात बन जाती है इस बात पर कि हम उस भारत के रहने वाले हैं जहाँ तेलंगाना और ऐसे कितने सारे प्रदेश हैं अपने सौंदर्य, अपने प्राकृतिक संपदा को समेटे हुए। तेलंगाना की संस्कृति में कई रंग खुले मिले हैं। यहाँ पर्शियन ट्रेडिशन से उद्धव शाही और निज़ाम की शैलियाँ हैं और इन सब का दक्षिण की स्थानीय परंपराओं के साथ जो मेल मिलाप वस्त्र मिलकर करते हैं। यहाँ पर ये कलाकार आ रहे हैं, पुरुष वाद्यों पर होते हैं तो स्त्रियाँ नृत्य करती हैं। नाम इसका है माथुरी नृत्य।
मधुरता के आपने रसा साधन किया, आनंद लिया। आप लिए चलते हैं आपको जम्मू कश्मीर में जम्मू क्षेत्र के एक नृत्य की प्रस्तुति की ओर, और नृत्य है डोगरी नृत्य। देवियो सज्जनों, जम्मू वैसे प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है, और इसीलिए जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। पूरे साल यहाँ पर्यटकों की गहमा गहमी रहती है, और खासतौर पर जो रिलीजियस टूरिज्म या धार्मिक पर्यटन से जुड़े लोग होते हैं, चाहे आपको वैष्णो देवी के दर्शन करनी हो या फिर कश्मीर घाटी और लद्दाख की यात्रा करनी हो, जम्मू से होकर जाने का रास्ता बहुत ही सुगम होता है। वैसे जम्मू में भी कई ऐसी जगहें हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनती हैं। मुबारक मंडी महल यहाँ है, पुरानी मंडी है, रानी पार्क है, इसके अलावा बदुहाट, रघुनाथ मंदिर, अमर महल, ऐसे कितने सारे स्थल हैं जम्मू शहर में या उसके आसपास के क्षेत्रों में जहां पर्यटक देखने लगे तो उनको उसके लिए भी कहा डोगरी नृत्य। छत्तीसगढ़,
जितने भी सजनों छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। वैसे छत्तीसगढ़ का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, उसे दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। और आपको ये भी जानकारी संभवतः जरूर होगी कि भगवान राम की माता कौशल्या कौशल नरेश की ही पुत्री थी। वैसे वर्तमान छत्तीसगढ़ के नाम की उत्पत्ति के बारे में ये भी कहा जाता है कि चूंकि वहाँ पर 36 किले या गढ़ हैं जो बहुत मशहूर हैं, और इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का नाम दिया गया। वैसे भगवान राम जब अपने वनवास के दौरान सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन कर रहे थे, तो उस दौरान जिस दंडकारण्य का उल्लेख मिलता है उसका अधिकांश हिस्सा भी छत्तीसगढ़ में ही आता है। वहाँ ऐसे कितने ही सारे पर्यटक स्थल हैं, वहाँ पर वन्य जीवों के तमाम सेंचुरीज हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, पुरातन स्थल हैं, और उन सबको के लोग पूर्वोत्तर के और अन्य राज्यों में भी रहते हैं, और साथ ही साथ नेपाल, भूटान, म्यांमार,
बांग्लादेश तक फैले हुए हैं। असम की संस्कृति में एक बड़ा सुंदर रंग राधा जनजातीय समुदाय के माध्यम से इनकी खान पान, इनका पहरावा, इनका गीत संगीत इन सब माध्यमों से जुड़ता है। और वैसे आसाम प्रदेश की अगर हम, जैसे पहले भी हमने बात की, वहाँ इको टूरिज्म को लेकर या ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन को लेकर बहुत सारे पर्यटक आते हैं और उन पर्यटकों को वहाँ जितना कुछ मिलता है, दरअसल एक बार में तो एक प्रदेश को देखना भी संभव नहीं है, इतना कुछ है आसाम प्रदेश में। और वहाँ इको टूरिज्म के नज़रिए से जब आप देखते हैं।